हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बैसिलिनम के बारे में। बैसिलिनम दोस्तों इसको एक अदर नाम से भी लोग कहीं कहीं पुकारते हैं, ट्यूबरकुलिनम के नाम से। कई सारे डॉक्टर्स दोनों मेडिसिन को एक ही मानते हैं सिम्टम वाइज, चूंकि एक जैसी चीज़ों से बनी होने के कारण दोनों का लगभग सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस रहता है, इसलिए इन दोनों मेडिसिन को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बैसिलिनम। दोस्तों डॉक्टर बर्नेट ने इस मेडिसिन को प्रूव किया हुआ है और इसका जो प्रूविंग की हुई है वह एक ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी ट्यूबरकुलर था उसके पस से इसको पोटेंटाइज करके बनाया गया है बैसिलिनम को। इसका जो एक्शन होता है दोस्तों पस पे ज़्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बड़ी बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसको किसी ऐसे पेशेंट को जिसको बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलर बलगम आ रहा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो वैसे पेशेंट को देने पे क्या होता है कि जो बलगम की मात्रा होती है वो घट जाती है और धीरे धीरे पेशेंट क्योर की तरफ चला जाता है। ऐसे पेशेंट को जिनको ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी हुई है और उनको बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है। ऐसे पेशेंट को जिनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है जिसकी वजह से फेफड़े में सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनका अगर आप बैसिलिनम का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उनका जो बलगम बनना होता है धीरे धीरे कम हो जाता है और बलगम कम होने के साथ साथ उनके फेफड़े में जो हवा की मात्रा जा रही होती है वो भी अच्छी मात्रा में हवा जाने शुरू हो जाती है। जो फेफड़े की नलियाँ होती हैं जहाँ जहाँ पर बलगम इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने में बड़ा मदद करता है, बलगम को बनने से कम करता है, ये सबसे इसका इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है दोस्तों। तो बलगम जहाँ पे ज़्यादा बने किसी पेशेंट को तो वैसे जगह पे इसका आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों बैसिलिनम का इस्तेमाल आप वहाँ पे भी इसका कर सकते हैं जहाँ किसी वृद्ध अवस्था में किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की नज़ले की शिकायत हो, बार बार सर्दी जुकाम लग जाता हो, ऐसी कंडीशन हो, और ये छोटे अवस्था में भी हो सकता है दोस्तों कि बार बार सर्दी जुकाम होने की शिकायत हो, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई हो, मतलब जो मस्तिष्क की आवरण शोत होती है उसमें ट्यूबरकुलोसिस की वजह से शोत हो गई हो, सूजन हो गई हो, तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है बैसिलिनम। दोस्तों सिर में अगर इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका जो मन होता है पेशेंट का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, गुस्से वाला होता है और पेशेंट हतोत्साहित बहुत जल्दी हो जाता है। सिर में दर्द होता है बहुत तेज और सिर की गहराई से दर्द उठता हुआ महसूस होता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कभी कभी उसके सिर के चारों तरफ पट्टी कस के बंधी हुई हो, इस तरह की फीलिंग आती है। पेशेंट को दांत की शिकायत हो सकती है सिर में, इसके अलावा आंखों की जो पलकें होती है उसमें दांत की शिकायत होती है, छाजन जिसको बोलते हैं एक्जिमा वो होता है, और ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है। इवन दांत से जो मैल होती है उस मैल को हटाने में बैसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है। ये इसका एक अलग से सिम्टम है दोस्तों जो कि बहुत यूजफुल होता है। दोस्तों चूंकि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत होने की संभावना ज़्यादा होती है जहाँ पे बैसिलिनम का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज इसका उपयोग वहाँ पे भी किया जाता है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी होती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पेट में इस तरह की चीज़ हो, टैप्स मेजेंट्रिका जिसको बोलते हैं, पेट की टीबी, वहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो सूजे हुए महसूस होते हैं, पेट में दर्द हो सकता है पेशेंट को, और इसके साथ साथ में पेट में पेशेंट को ये फील होता है कि उसको जब भी कभी वो कुछ नाश्ता करने जा रहा है, नाश्ता करने से पहले अगर लूज मोशन जैसी शिकायत हो, डायरिया जैसी शिकायत हो, तो वहाँ पे अच्छा काम करती है बैसिलिनम। और इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में बहुत ही दुर्गंधित वायु निकलती है, अपान वायु निकलती है, तो उस कंडीशन में भी एक अच्छा काम करती है बैसिलिनम। दोस्तों बैसिलिनम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है श्वास संस्थान पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, नज़ले के साथ साथ में अगर नज़ला हो पेशेंट को और नज़ले के साथ साथ में उसको श्वास की तकलीफ भी हो, सांस लेने में तकलीफ भी हो दोस्तों, तो उसकी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है बैसिलिनम। पेशेंट को जब बलगम निकलता है तो बलगम के साथ साथ में आप कभी गौर करिएगा कि पेशेंट को जो बलगम निकलता है उसमें म्यूकस होता है, पस की चीज़ भी हो सकती है, उसके साथ साथ बुलबुले जैसे होते हैं दोस्तों। अगर किसी पेशेंट में आपको इस तरह का सिम्टम्स दिखता है कि उसका बलगम निकले, बलगम में बुलबुले जैसे हो, म्यूकस उसके अंदर हो, हल्का पस का भी डिस्चार्ज उसके साथ में, तो वहाँ पे बैसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है इस सिम्टम पे दोस्तों। इसके अलावा
जो श्वास की नलियां होती हैं उसमें बुलबुले उठने जैसी आवाज आती है जब पेशेंट सांस लेता है तो, या खांसता है तो इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है बैसिलिनम। इसके अलावा दोस्तों जो मॉइस्ट एस्थमा होती है, तर दमा जिसको बोल सकते हैं, दमा के साथ साथ में म्यूकस निकलता हो, तो वैसी कंडीशन के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दवा है बैसिलिनम। यह मेडिसिन आमतौर पर फेफड़े के अंदर जो कंजेशन हो जाता है, ब्लड का एक्स्ट्रा जो फ्लो हो जाता है, उस कंजेशन को दूर कर देती है। और ये करने के साथ साथ में जो आने वाली अगली मेडिसिन होती हैं, जो बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन होती हैं ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित, उसके लिए अपना सही से काम करने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे सल्फर होती है कि सल्फर को किसी दवा देने के पहले अगर दे दिया जाए तो आगे सोरा को समाप्त कर देती है, वैसे ही यह दवा ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में जो ट्यूबरकुलर मियाज्म होता है उसको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दोस्तों डॉक्टर कर्टिया कहते हैं कि बलगम जिसमें म्यूकस हो, साथ में बुलबुले जैसे पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाए, ये एक श्योर शॉर्टेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आप इसको कह सकते हैं बैसिलिनम का। दोस्तों ये स्पष्ट इंडिकेशन देता है कि वहाँ पे बैसिलिनम का इस्तेमाल होना चाहिए जब भी इस तरह का बलगम निकले जिसमें म्यूकस के साथ साथ में बुलबुले हों। दोस्तों बैसिलिनम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो आपको एक तो यूज़ करने का मौका ज़्यादातर मिलता है फेफड़े की कंडीशन में, दूसरा जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो होता है स्किन के केस में। स्किन में इसमें बड़े सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, स्किन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली दांत के केस में। दोस्तों दांत जब कहीं से सही नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे बैसिलिनम बीच में आप इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दांत होता है उसमें आप देखेंगे कि जैसे रूसी की तरह निकलता है, त्वचा की एक ऐसी कंडीशन जिसमें रूसी की तरह निकलता है और यह जल्दी ठीक नहीं होता है, रूसी बार बार निकलती रहती है दांत से और कभी ठीक नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है बैसिलिनम। दोस्तों खुरंड कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं जमते, स्कैब फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ऐसे दांत के केस में। इसके अलावा दोस्तों इसका जो यूज़ किया जाता है वह जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि पलकों की छाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पलकों में एक्जिमा होता है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल होती हैं, स्पर्श करने में तकलीफ होती है, तो इन सारी कंडीशंस में बैसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों बैसिलिनम की जो तकलीफें होती हैं रात के समय या प्रातःकाल सुबह में तकलीफें बढ़ जाती हैं या ठंडी हवा से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस और कालीकार। इसको हम लोग दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं एंटीमोनियम आयोडम के साथ में, लेकेसिस के साथ में, आर्सेनिक आयोड के साथ में। दोस्तों यह औषधि ट्यूबरकुलिनम के बिल्कुल समान होती है, ऑलमोस्ट बड़े सारे सिम्टम्स सेम मिलते हैं, लेकिन अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो जबकि त्वचा की टीबी हो या किसी ग्लैंड की टीबी हो या हड्डी की टीबी हो, तो इन सभी टीबी की अगर प्रारंभिक अवस्था है तो वैसी कंडीशन में बैसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों सोराइनम इसकी क्रॉनिक इक्विवेलेंट लगती है। दोस्तों इसकी डोज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इसकी डोज का विशेष ख्याल रखना चाहिए, बैसिलिनम का जो डोज होता है वह इसका हमेशा ध्यान देना चाहिए कि 30 पोटेंसी के नीचे इसको नहीं देना चाहिए। 30 पोटेंसी को हफ्ते में एक बार दोहरा सकते हैं, इसकी क्रिया जल्दी ही दिख जाती है इसलिए एक बार क्रिया दिखने के बाद दोहराना नहीं चाहिए। 30 पोटेंसी से लेकर के 200 या उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है, रिपीटेशन इसका कम से कम करना चाहिए। दोस्तों इसका विशेष ख्याल करिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज बैसिलिनम के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में ताकि वो लोग इससे फायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।